गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सीमा मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी गर्ल्स कॉलेज चित्तौड़गढ़। टुडेज आर टॉपिक इज सूफिज्म या सूफीवाद। सूफीवाद के विषय में अलग अलग विद्वानों में मत विभिन्न हैं। जहां कुछ इतिहासकार इस्लामी रहस्यवाद को ही सूफीवाद स्वीकार करते हैं, वहीं डॉक्टर यूसुफ हुसैन, प्रोफेसर के ए निज़ामी आदि इतिहासकार सूफी मत का उदय इस्लाम धर्म से मानते हैं, जबकि एडलबर्ट मास्क और निकोलसन इस पर यूनानी प्रभाव को स्वीकारते हैं। भारत में सूफी संतों का प्रवेश 7वीं शताब्दी में हुआ और उनका प्रमुख केंद्र मुल्तान था। भारत में सूफी मत की वास्तविक शुरुआत अबुल हसन अल हुज़वेरी के आगमन के साथ मानी जाती है। वे गजनी के निवासी थे और लाहौर में उनका आगमन बंदी के रूप में हुआ था। इन्होंने कशफुल महजूब नामक पुस्तक की रचना कर अपने विचारों और सूफी मत के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। इनकी मृत्यु उपरांत सूफी मत के प्रचार प्रसार में बाबा फखरुद्दीन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये दक्षिण भारत में पेनुकोंडा नामक स्थान पर निवास करते थे। सूफी मत के चार प्रमुख संप्रदाय हैं, चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादिरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। फर्स्ट है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है, जिनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 ईस्वी में ईरान के सिजिस्तान नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम सैयद गयासुद्दीन था। शेख इब्राहिम के ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माध्यमिक तक दीक्षा दी। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव उनके गुरु का नाम ख्वाजा उस्मान बतलाते हैं। 1192 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए और लाहौर में रहने के बाद स्थायी रूप से अजमेर में बस गए। अजमेर के चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपने धर्मगुरु रामदेव को मोइनुद्दीन चिश्ती को निष्कासित करने के उद्देश्य से भेजा, परंतु रामदेव स्वयं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रभाव में आकर उनके शिष्य बन गए थे। 1236 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में देहांत हो गया। मोहम्मद गौरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद अर्थात हिंद के आध्यात्मिक गुरु की उपाधि प्रदान की थी। मोइनुद्दीन के शिष्यों में शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख हमीदुद्दीन प्रमुख थे। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म फरगान के औस नामक स्थान पर हुआ। कालांतर में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली आकर बस गए। सुल्तान ने उन्हें अपना गुरु बनाया और शेखुल इस्लाम की उपाधि प्रदान की, किंतु इन्होंने इस उपाधि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 1235 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। शेख हमीदुद्दीन नागौरी के सुवलना ग्राम में निवास करते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उन्हें सुल्तान उत्तार की अर्थात सन्यासियों का सुल्तान की उपाधि प्रदान की थी और इनकी 1276 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। शेख फरीदुद्दीन गजे शक्कन नामक प्रसिद्ध सूफी संत का जन्म 1175 ईस्वी में मुल्तान में हुआ। ये जनसाधारण में शेख फरीद अथवा बाबा फरीद के नाम से विख्यात थे। इनका विवाह सुल्तान बलबल की पुत्री हुजैरा से हुआ था। कुछ समय बाद फरीद हांसी में रहे और तदंतर अजोधन या पाक पाटन में स्थायी रूप से बस गए। 1265 ईस्वी में अजोधन में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। बाबा फरीद के प्रसिद्ध शिष्य शेख निज़ामुद्दीन औलिया थे। इनका जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ। 20 वर्ष की आयु में इन्होंने बाबा फरीद का शिष्यत्व धारण किया और उन्होंने निज़ामुद्दीन औलिया को खलीफा बनाकर दिल्ली भेज दिया। वे दिल्ली के निकट गियासपुर में निवास स्थायी रूप से बस गए थे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का समय देखा, परंतु वे इनमें से किसी भी सुल्तान के दरबार में नहीं गए। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक इनकी लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे। उसने संगीत समारोह के कारण उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया। निज़ामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र जूना खां या जौना खां को आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एवं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के से मिलने से भी इनकार कर दिया था। 1235 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। निज़ामुद्दीन को महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। उनकी अभीष्ट अभिलाषा थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनका मकबरा निर्मित नहीं किया जाए,
किंतु फिर भी मोहम्मद बिन तुगलक ने उनका मकबरा निर्मित करवाया। शेख निज़ामुद्दीन औलिया के प्रसिद्ध शिष्य शेख नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली थे। 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती थे। उनके आशीर्वाद से अकबर के पुत्र शहजादा सलीम का जन्म हुआ था। इनका मकबरा फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है। नेक्स्ट है सुहरावर्दी संप्रदाय। भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय के प्रवर्तक शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। इनका जन्म मुल्तान के समीप कोट अरोर में 1182 ईस्वी में हुआ था। इनकी अधिकांश शिक्षा खुरासान, बुखारा और मदीना में हुई थी। जब ये बगदाद में थे उसी समय वे शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी के शिष्य बन गए थे। अपने गुरु के आदेशानुसार उन्होंने मुल्तान में एक खानकाह स्थापित करवाया। वहीं रहकर आधी सदी तक कार्य करते रहे। दिसंबर 1262 में इनका देहांत हो गया। शेख बहाउद्दीन जकारिया की मृत्यु के पश्चात उनके बड़े पुत्र सदरुद्दीन आरिफ सुहरावर्दी संप्रदाय के उत्तराधिकारी बने। वे लगभग 23 वर्ष तक इस संप्रदाय के प्रधान रहे। शेख बहाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र रुकनुद्दीन अबुल फतेह सुहरावर्दी संप्रदाय का उत्तराधिकारी बना। इस संप्रदाय में इनका वही स्थान है जो चिश्ती संप्रदाय में निज़ामुद्दीन औलिया का। नेक्स्ट है कादिरी संप्रदाय। कादिरी संप्रदाय के प्रवर्तक अबुल कादिर अल जिलानी थे। मध्य एशिया तथा पश्चिमी अफ्रीका में इस्लाम का प्रचार करने का श्रेय इसी संप्रदाय के प्रवर्तक मोहम्मद गौस को है। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपनी लड़की की शादी इनसे कर दी थी। मोहम्मद गौस के उत्तराधिकारी अब्दुल कादिर द्वितीय हुए। उन्होंने बादशाह से प्राप्त होने वाले धन का परित्याग कर दिया था तथा उनका जीवन गरीबी में बीतने लगा। अतः वे अनेक कष्ट सहते हुए आध्यात्मिक पथ पर दृढ़ रहे। सूफी साधकों में शेख दाऊद किरमानी तथा शेख अबुल माली के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दारा सिकोर इसी संप्रदाय के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। नेक्स्ट है नक्शबंदी संप्रदाय। इसी संप्रदाय के प्रवर्तक तुर्किस्तान के ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद थे। भारत में इसका प्रसार एवं प्रचार 16वीं शताब्दी में ख्वाजा मोहम्मद शाह की गिल्लाह बेरंग द्वारा किया गया। इन्होंने शरीयत के अनुसार जीवन व्यतीत करने पर बल दिया। इनके उत्तराधिकारी अहमद फारूकी ने नक्शबंदी संप्रदाय का प्रचार करने में महत्वपूर्ण स्थान था। इनका जन्म 1565 ईस्वी में सरहिंद में हुआ, इसीलिए इन्हें अहमद सरहिंदी के नाम से जाना जाता है। इनके अनेक अनुयायी इन्हें हजरत मोहम्मद का अवतार मानते थे। 1665 में इनकी मृत्यु हो गई। नक्शबंदी संप्रदाय के अन्य प्रसिद्ध संत दिल्ली के शाह वली उल्लाह थे।